स्पेसिफिक वार्मिंग अप ऑफ सम गेम्स एंड स्पोर्ट्स, मतलब कुछ गेम्स के लिए स्पेसिफिक वार्मिंग अप क्या होता है, जैसे बास्केटबॉल के लिए शटल रनिंग हम करते हैं, बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करते हैं, ले अप शूट्स करते हैं, फेक प्रैक्टिस करते हैं, ये सब चीजें हम बास्केटबॉल के लिए करते हैं। बैडमिंटन के लिए आर्क मार्किंग विद जंप्स, आर्क मार्किंग करते हैं जंप्स के साथ, टॉसिंग शटल, शटल को टॉस करते हैं, हाई क्लियर्स करते हैं, लो क्लियर्स करते हैं, ये सब गेम्स रिलेटेड है इनसे, हमें नहीं याद रखना है। ड्रॉपिंग प्रैक्टिस करते हैं, आप में से बहुत लोग खेलते भी होंगे, उन्हें पता होगा। क्रिकेट डमी बॉलिंग करते हैं, बैटिंग एक्शन करते हैं, नेट प्रैक्टिस करते हैं, कैचिंग प्रैक्टिस करते हैं। फुटबॉल में बॉल ड्रिबलिंग करते हैं, बॉल जगलिंग करते हैं, किकिंग करते हैं, हेडिंग करते हैं। हॉकी में स्टिक रोटेशन, ड्रिबलिंग, टैपिंग, हिटिंग, स्कूप्स एटसेट्रा। टेनिस में सर्विस की प्रैक्टिस करते हैं, शॉट्स को पास करते हैं, वॉल प्रैक्टिस करते हैं, मतलब दीवार के साथ, वॉली क्लियर, स्लाइस क्लियर एटसेट्रा। इम्पोर्टेंस ऑफ वार्मिंग अप, वार्मिंग अप का इम्पोर्टेंस, एक तो इंजरीज को घटा देता है, दूसरा क्योंकि उस टाइम हमारी बॉडी जो है एकदम एक्टिव होती है, रेगुलेट सिस्टम्स सारे जो हमने गिने थे अभी, दो तो मैं बता चुका हूं, सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी, सारे सिस्टम्स को आपका एक्टिव कर देता है, एनर्जी लेवल को बढ़ा देता है, बेटर रेस्पॉन्सेज हम इससे दे सकते हैं क्योंकि हमारा जो कोऑर्डिनेशन है वो बढ़ जाता है बॉडी का, कंसंट्रेशन को इम्प्रूव कर देता है, परफेक्शन को और एंडोरेंस को, सहनशीलता को, एंडोरेंस मतलब सहनशीलता। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।